भूमि सुधार पिछले 30-40 साल में लागू नहीं होने की वजह से भूमिहीनों की संख्या बिहार में इतनी ज्यादा है, जो देश में करीब करीब 57% देश में भूमिहीन जो है वो 38% है, 38% भूमिहीन लोग हैं बिहार में, वो संख्या करीब करीब 58% है। और ये सीधे तौर पर दिखाता है कि यहाँ पर भूमि सुधार कानून लागू नहीं हुआ, बड़े संख्या में लोग जिनके पास जमीन मिलना चाहिए था उनको जमीन नहीं मिली, और ये वो जमीन है जहां भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस राज्य से भूदान आंदोलन शुरू हुआ वहां पर आज देश में सबसे बड़ी संख्या भूमिहीनों की है। मैं पश्चिम चंपारण का आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनको पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया गया और आज तक उनको उस जमीन का अधिकार नहीं दिया गया, उनको जमीन पर कब्जा आज तक नहीं मिला है। मैं पूर्वी चंपारण का आंकड़ा भी जब ये जिला पूरा करूंगा तो आपके साथ साझा करूंगा। तीसरी बात जो उद्योग धंधे की है, पूंजी की है, मैं ये आंकड़ा आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। बिहार में हम लोग कहते हैं उद्योग धंधा लगेगा, कैसे लगेगा, जब हम लोग उद्योग धंधों की बात करते हैं तो ज्यादातर बड़े फैक्ट्रियों के बारे में सुनते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीडी रेशियो जो है, मतलब कैश डिपॉजिट रेशियो, जो बैंकों में हम और आप बिहार की जनता जो पैसा जमा करती है, वो बैंकों की जिम्मेवारी है कि उस पैसे को ऋण के तौर पर लोगों को दे ताकि बिजनेस करने वाले, उद्योग धंधे करने वाले लोगों को पूंजी मिल सके। देश में ये आंकड़ा है 70%, मतलब बैंकों में 100 रुपए जमा होता है तो 70 रुपया ऋण के तौर पर लोगों के पास वापस आता है। जो देश में अग्रणी राज्य है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, वहां पर ये जो प्रतिशत है वो 90 से ऊपर है, मतलब अगर 100 रुपए जमा हो रहा है तो 90 रुपए ऋण के तौर पर वहां के लोगों को मिल रहा है। बिहार में ये आंकड़ा है 40%, सीडी रेशियो बिहार का है 40%। अब इसका मायने मैं आपको समझाता हूँ। लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा, बिहार की गरीब जनता 4,00,000 करोड़ पिछले साल 4,12,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया, और अगर राष्ट्रीय स्तर भी आप उठा लें 70%, तो मतलब 2